हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप तो जानती हो कि बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि भैया बंगाल के असली बंगाल टाइगर जीत की फिल्म चिंगेज को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 6 दिन हो चुके हैं। तो भैया, इस फिल्म को 6ठे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से बांग्ला और हिंदी लैंग्वेज में कैसा ऑक्यूपेंसी रेट मिला है? और भैया, इस फिल्म के आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से इस फिल्म को लेकर क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भाई ये फिल्म अपना बजट निकालते हुए खुद के लिए भैया हिट का तमगा हासिल करने में कामयाब रहेगी? ये सारी जानकारियां अब मैं रखूंगा आपके सामने इस फिल्म के आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि जीत की इस फिल्म को पूरे इंडिया में बहुत ही कम शो मिले हैं, लेकिन भाई कम शो मिलने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जुझारू तरीके से भैया दबंग खान की आ चुकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ मुकाबला कर रही है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को आज 6ठे दिन बांग्ला लैंग्वेज में जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है ना, उसको देखने के बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई बंगाल में इस फिल्म के शोज आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं मेरे भाई। यानी कि आज इस फिल्म को बांग्ला लैंग्वेज में मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 9.25% का, आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 15.64% का, और इवनिंग के शो में इस फिल्म को बांग्ला लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 24.92% का। देन उसके बाद भैया हिंदी लैंग्वेज में भी इस फिल्म को बहुत ही शानदार ऑक्यूपेंसी रेट मिला है मेरे भाई 6ठे दिन भी। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से आज इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 3.34% का, आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 7.51% का, और इवनिंग के शो में इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 9.45% का। यानी कि आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से ये फिल्म पूरे इंडिया से बांग्ला और हिंदी लैंग्वेज में जो कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा 30 लाख रुपीज का है, और इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म फाइनली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.90 करोड़ रुपीज का बिजनेस करने में कामयाब होती नजर आ रही है। यानी कि भैया इस फिल्म की पकड़ अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत तो बनी हुई है मेरे भाई, लेकिन इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी रेट अभी मिल रहा है ना बॉक्स ऑफिस पर, और इस फिल्म को अभी जितने सारे शोज के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है ना, उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई शायद ही ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रहे। यानी भैया इस फिल्म को लेकर यही जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो लगभग 10 करोड़ का है, और भाई ये फिल्म अपने बजट से अभी भी 6 करोड़ की दूरी पर खड़ी है, क्योंकि भैया इस फिल्म को वैसा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिल पा रहा है जैसा कि भैया ये फिल्म डिजर्व कर रही थी मेरे भाई। तो भाई ये फिल्म चाहे हिट हो फ्लॉप हो, अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मुझे ये फिल्म कैसी लगी, तो भैया मेरे लिए तो ये फिल्म हिट फिल्म थी। अब भाई ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में नहीं आ रही है, तो हम तो यही बात कहेंगे कि भैया ऑडियंस की इन दिनों आदत कुछ ऐसी हो गई है कि भैया वो अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे, और उसके बाद वो ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं भैया फिल्म मेकरों के सामने कि भैया आप लोग अच्छी फिल्में बनाकर सिनेमाघरों में रखते ही नहीं हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वारंट अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।